नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे आप लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल एंड इन गुड हेल्थ। इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज स्टार्ट हो गई और साउथ अफ्रीका ने पहला मैच 7 विकेट से जीत लिया। मैच खेला गया केप टाउन में न्यूलैंड्स के ग्राउंड पे और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की। कोई भी टीम वहाँ पर टॉस जीतती है तो वो पहले बॉलिंग करती है, बिकॉज अंडर द लाइट्स बैटिंग करना आसान है। और न्यूलैंड की विकेट हाई स्कोरिंग विकेट होती है, बॉल बड़ा ज़बरदस्त आता है बैट के ऊपर, और न्यूलैंड्स के और साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स बड़े ग्राउंड हैं, लेकिन जो उसका बाउंस है वो थ्रू बाउंस है न्यूलैंड का। इसके लिए क्विंटन डीकॉक, जो ओडीआई के कैप्टन बने हैं, उनका पहला मैच था एज अ कैप्टन। उन्होंने मैच जीता और उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए 107 रन की इनिंग खेली और अपने 5000 रन भी कम्प्लीट किए। उसके साथ उनका साथ दिया था बैटिंग के अंदर टेम्बा बुवावा ने, जिन्होंने 98 रन की इनिंग खेली, अनफॉर्चुनेटली 100 नहीं कर पाया। इंग्लैंड की बैटिंग अगर आप देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, जहां पर जो डैनली है, जो रूट है, मॉर्गन है, मलान है, लेकिन आज साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के आगे ये बैट्समैन कोई टिक नहीं सका, सिवाय जो डैनली के, जिन्होंने 87 रन की इनिंग खेली। उसका पार्टनरशिप की उनके साथ क्रिस वोक्स थे, जिन्होंने 40 रन किए। साउथ अफ्रीका की तरफ से नए प्लेयर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो झांसी लीग के अंदर इन्होंने परफॉर्म किया था और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया था। स्मट्स हो गया, सिम्पाला हो गया, रेजा हेंड्रिक्स हो गया, उनको सबको लेके आया था टीम में दोबारा। और साउथ अफ्रीका की तरफ से शम्सी, द लेफ्ट आर्म चाइना मैन, जिसको मैजिशियन कहा जाता है, वो अक्सर विकटें लेने के बाद कभी छड़ी निकालते हैं, कभी अपना जूता निकाल के उससे फ़ोन मिलाते हैं, काफ़ी उनके स्टाइल है। ही बॉल रियली वेल, ही टुक 3 विकेट्स। और एज अ चाइना मैन बॉलर, क्योंकि इमरान ताहिर है, वो जो है T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं खेलते, तो इनके जो मेन स्पिनर है वो है तबरेज शम्सी। ही बॉल रियली वेल। पहला मैच तो साउथ अफ्रीका जीत गई 107 विकेटों से। क्या साउथ अफ्रीका अपना ये मोमेंटम कैरी ऑन करेगा 2 ODIs के अंदर? बिकॉज हमने देखा कि टेस्ट सीरीज़ के अंदर पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद जो साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस रही वो बहुत पुअर रही, और साउथ अफ्रीका होम ग्राउंड के ऊपर 4-1 से सीरीज़ हार गई। लेट्स होप के साउथ अफ्रीका की जो परफॉर्मेंस है, जो आज हमें देखने मिली, वो ऐसी परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगी। थैंक यू।